पानी। क्या हुआ? माँ, अरे मैं यहाँ हूँ। कहाँ गया था रे इतनी देर? ऊटी गया था माँ, सैनिटोरियम में तुम्हारा दाखिला करवाने। मुझे क्या हुआ है? मुझे जो कुछ हुआ है वो बुढ़ापे की वजह से हुआ है, और वो तो अब जाएगा नहीं। फिर बिना वजह पैसा क्यों बर्बाद करे?
और तुम जो मुझ पे पैसे खर्चते आई हो माँ, उसका क्या? मैं तो तुम्हारा अपना खून भी नहीं। 6 साल का था तब से तुम मेरी नाज उठा रही हो। मैंने तुम्हें पाला है बेटा, कोई सौदा नहीं किया। तो मैं भी कहाँ सौदा कर रहा हूँ माँ, वो तुमने किया, ये मुझे करने दो। डॉक्टर अंकल, फिर तोड़ दिया ना मेरा सपना, आज मैंने घुड़सवार का मुंह देख लिया होता। बस हल्की सी हरारत है इसे। थोड़ा सा बारिश का स्वागत किया है। मुझे देखो, तुम्हारी यही शरारत तुम्हें बिस्तर से बांधे रखती है। सॉरी अंकल। व्हाट सॉरी, व्हाट सॉरी? देव सॉरी, कम सॉरी अंकल। चलो देव, व्हाट सॉरी? आई एम सॉरी। कम देव। देव, ये आए दिन की हरारत, बुखार, ये कोई अच्छे साइंस नहीं है। आपका मतलब? जी हाँ, देखो मुझे शक हो चला है। तुम ऐसा करो, पूजा को किसी सैनिटोरियम में भर्ती करवा दो, वहां पे 24 घंटे उस पर निगरानी भी रहेगी और देखभाल भी हो जाएगी। चलो बेबी। कहाँ? तुम्हारे अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जाना कहाँ है? हॉस्पिटल। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं बेटा, बड़ों की बात नहीं टालते। मैंने कह दिया ना मुझे नहीं जाना, और ये बात मुझे दो। मुझे नहीं दो। बेटा नहीं, मुझे नहीं दो। बेटा चलो चलो बाबा चलो, ये साहब का हुक्म है। ये मेरा हुक्म है, वो जबान से बोलते हैं और मैं हाथों से बोलती हूँ। अब जाती हूँ या दो एक। साहब साहब साहब, ये बेबी नहीं मानती। पूजा पूजा, ए पूजा, पूजा कहाँ हो तुम? पूजा अंकल। ए ए पूजा, ए नीचे आओ। नहीं जाना मुझे हॉस्पिटल। कम डाउन। नहीं अंकल, कम डाउन। नीचे आओ, नीचे आओ। नहीं, कम डाउन, आ जाओ। आई आई पुट ऑन द फैन, मैं चलाता हूँ। आई डोंट, जल्दी नीचे आओ, हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें। आप एक दूसरे को जानते हो? हमारी पुरानी जान पहचान है। देखो मुझे जिंदा देखकर कितनी हैरान हो रही है।
पूजा, माय गॉड, अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पूजा बहुत सेफ हैंड्स में है। आओ तुम्हें अपने कमरे तक पहुंचा दूं। यू बी अ गुड गर्ल। डोंट वरी अंकल। ये रहा तुम्हारा कमरा। थैंक यू। हाय। हाय। मेरा नाम पूजा है, तुम्हारा नाम क्या है? शोभा। लगता है तुम यहाँ रहकर बहुत बोर हो चुकी हो ना? अब यू समझो कि तुम्हारे दुख के दिन कट गए, मैं आ गई हूँ ना, अब तो मजे ही मजे हैं। अरे तुम जानती नहीं, बहुत सख्ती है यहाँ, इतनी सारी बंदिशें, 8 बजे लाइट बंद, उबला हुआ खाना, वक्त पर दवाई, ये मत करो वो मत करो, हंसो मत, रो मत, उफ ये मत मत मत। जितने ज्यादा मत होंगे उतने मत टूटेंगे। लो आ गई पहली मत, चलो मुंह खोलो। चलो तुम भी। ये क्या है? विटामिन की गोली। चलो मुंह खोलो। नहीं मुंह खोलो। आपकी आंख को क्या हुआ? क्या हुआ मेरी आंखों को? एक तो पीली है ना। हाँ एकदम पीली है। अरे इन्हें जॉन्डिस तो नहीं है? हो सकता है जॉन्डिस भी हो सकता है। वो थिंग कम कम कम। अरे जॉन्डिस इज वेरी डेंजरस। चेक करती तुम्हें, चेक करती हूँ। चलो अरे चलो, अरे मर जाएगी तो। दरवाजा बंद कर। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मेरे कपड़े क्यों उतार रही हो? जाओ मेरे कपड़े। अरे पूजा कहाँ जा रही है? बाजार घूमने। घूमना मना है। मरीजों के लिए, नर्स और डॉक्टर के लिए नहीं। डॉक्टर डॉक्टर। हेलो सिस्टर। हेलो। ए मुझे नहीं आना। चलो कोई आ जाएगा। चलो। एक्सक्यूज मी। तुम? मैं नर्स हूँ यहाँ। अगर तुम्हारी जैसे नर्सें हैं यहाँ तो मैं अपनी माँ को कहीं और ले जाऊंगा। What do you mean मेरे जैसी? What does he mean मेरे जैसी? I don't. Oh, he means मेरी जुड़वा बहन शाहीन जैसी। हाँ। तुम उस बदमाश को मिले तो नहीं? जी। समझ गई। कितना नुकसान हुआ, पर्स नहीं मारा उसने। लेकिन यहाँ कैसे आए हो? ठीक तो लगते हो। हल्का सा बुखार है बारिश में भीगने से। थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए मैडम। मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ बीमार है। क्या है माँ जी की हम लेडीज पेशेंट नहीं देखते? मैं अपने सीनियर डॉक्टर को भेजती हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते जी। चलिए मैडम चलो। हम आपकी माँ को दाखिल किए देते हैं, लेकिन कुछ और एक्सरेज और टेस्ट निकालने होंगे, उसके लिए आपको एक दो दिन रुकना होगा। भेल, भेल जाने का मूड है? पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास भी नहीं है। पैसे किसे चाहिए? चलो चलो। ए भेल वाला। जी मैम साहब। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है भोला। डॉक्टर जी तुम्हारा चालान करने आए हैं। चालान काहे के लिए? लोग तुम्हारी भेल खा के बीमार पड़ जाते हैं और हमारे हॉस्पिटल की आबादी बढ़ाते हैं। मैम साहब आपको गलत फहमी हो गई है, किसी ने आपको गलत खबर दी है। हम तो बड़ी साफ सुथरी भेलपूरी बनाते हैं और हमारे पास तो म्यूनिसपालिटी का लाइसेंस भी है। भाड़ में गई बेमा म्यूनिसपालिटी, तुमने रिश्वत दे के लाइसेंस लिया है? हम खुद चेकिंग करेंगे। हाँ पानीपुरी से शुरू करते हैं। पानीपुरी बनाओ। अब अभी बनाते हैं मैम साहब। हाँ। ये लीजिए मैम साहब, ये लीजिए। ए, तुम्हारा नाम क्या है? गोलगप्पे खाओगे? नो थैंक। तुम्हारी माँ कहाँ है? अस्पताल में, जब तक उनके टेस्ट नहीं हो जाते मुझे भी यहाँ रुकना पड़ेगा।
तुम्हारे माल की क्वालिटी अच्छी है। हाँ। इसलिए हम कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। नहीं लेना चाहते। चलें या आगे कोई स्टॉल भी चेक करना है? नहीं डॉक्टर जी, आज के लिए इतना काफी है। अच्छा बताओ, तुम मेरी बहन शाहिन को कहाँ मिले थे? मेरे साथ रहोगी तो ऐसा ही होगा। गेट बंद है। बेचारा दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद सो रहा होगा। तुम्हें गरीबों का ख्याल है या नहीं? चलो झुको। क्या? झुको, चलो झुको। डॉक्टर साहब पहले आप। अच्छा अब जाओ और अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। ओके, और घबराना नहीं, हम तुम्हारी माँ की एक्स्ट्रा देखभाल रखेंगे। ओके बाय बाय। शोभा तुम देखते रहना, अगर मैंने 3-4 दिनों में सारे डॉक्टर और नर्सों को सीधा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। लाइक इधर इधर। पूजा, आज तुम्हारा पहला दिन है सैनिटोरियम, और तुमने जो हरकत की है ये तुम्हें करनी नहीं चाहिए थी। अगर तुम्हें इसमें खुशी मिलती है तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन फिर तुम यहां से जा नहीं पाओगी, हमेशा के लिए यहां रहना पड़ेगा। ये फैसला तुम्हें करना है, हमेशा यहां रहने का या जितनी जल्दी हो सके जाने का। ओके, स्लीप वेल। उसकी बातों में ध्यान मत देना, आज का दिन ठीक से कटाना, कल के बारे में कल सोचेंगे। गुड नाइट। हाउ इज द कॉफी? वेरी गुड, इट्स फाइन। अच्छी है। अब शक्कर ठीक है? हाँ ठीक है, उम्र के साथ शक्कर थोड़ी कम करनी चाहिए, डॉक्टर कहते हैं। तुम्हारे पति कैसे? गुजर गए, शादी की रात ही उनका स्वर्गवास हो गया। I'm sorry. और तुम? तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे? मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे कैसे हो सकते? शादी क्यों नहीं की? एक लड़की पसंद थी, वो छोड़कर चली गई। उसके बाद कोई लड़की भाई नहीं। और जिससे प्यार था उससे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि खानदान की इज्जत, नाम, सोसाइटी से डर गए। देख, पूजा सो रही है। आई हैव टू टॉक टू यू, बहुत जरूरी बात है। वो लाला दिगंबर दयाल जिन्हें मैं अपने पिता समान समझती थी और जो मेरे मेडिकल एजुकेशन का खर्चा उठा रहे थे, वो मुझे खरीदना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। बास्टर्ड, बहुत ही कमीना आदमी है वो। 3 लाख रुपए उसके मुंह पे मार दूंगी, कहूंगी लाला मैं बिकाऊ नहीं हूं, बाजार जाकर कोई बुढ़िया खरीद लाओ। ये कहां से लाओगे तुम 3 लाख रुपए? क्यों, तुम नहीं दोगे मुझे? सना, ये सब, ये मकान, ये सब जायदाद, ये मेरे बड़े भाई की अमानत है जो वो अपनी छोटी बेटी के लिए छोड़ गए, पूजा के लिए। उस मासूम से मैं चोरी करूं ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। देव, तुम मुझे प्यार करते हो? अपनी जान से भी ज्यादा। साला, मुझसे शादी करोगे अभी इसी वक्त? बेबस हूं। Let me go. Sir, please try and understand. For God's sake, try and understand.
सनम, देखो मुझे थोड़ा वक्त दो। वक्त? लाला क्या मुझे वक्त देगा? तुम यूं ही बैठे रहो, हाथ पे हाथ धरे, जिंदगी दबे पांव पास से गुजर जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलेगा, चलेगा। चलता हूं, रात बहुत हो गई और तुम एक अकेली औरत। जानती हूं। मैं आज पेशेंट्स की यूनियन की स्थापना की घोषणा करती हूँ। इस यूनियन की प्रेसिडेंट मैं हूँ। ये यूनियन पेशेंट्स के अधिकारों की रक्षा करेगी और डॉक्टरों के जुल्मों सितम से लड़ेगी। इस यूनियन की एक ब्रांच होगी ड्रामेटिक क्लब, जो हम सबके मनोरंजन का प्रबंध करेगी। आप में से जिस जिसको एक्टिंग का शौक हो अपने नाम शोभा को लिखवा दे। शोभा मेरा नाम लिखवा। मीटिंग अजर्न्ड। What nonsense! This is impossible. न जाने पूजा की रिपोर्ट्स के साथ किसकी रिपोर्ट्स मिक्स कर दी है? फिर से चेक करो। लेकिन मैडम ये। Enough, enough. और सुनो, next time be careful. इस किस्म की लापरवाही से किसी इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। Have you understood? Okay. You're very lucky, सूरज. रिपोर्ट से ये पता चला है कि बीमारी अभी तक फैली नहीं। इलाज से तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है, लेकिन 30,000 रुपए का खर्चा है। डोंट वरी डॉक्टर, आप इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। 30,000 रुपए? कहाँ से लाएगा इतनी बड़ी रकम? माँ तुमने कहा था ना मेरे माँ बाप मेरे लिए खानदानी मकान छोड़ के गए, वो किस दिन काम आएगा? मैं वो मकान बेच के पैसे इकट्ठे करूंगा। नहीं पापा नहीं। हाँ माँ हाँ। कौन है बे? नमस्ते जी। चलो बाहर जाके बात करो। मुझे पहचान नहीं रहे। सूरज, सूरज मंजिल पक्के है? द्वारकानाथ जी का बेटा, याद आया? 6 साल का था जब माँ और उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। आंटी, आपको और आंटी को उन्होंने जायदाद संभालने के लिए दी थी, अब मैं जायदाद वापस लेने आया हूँ। इस बात का फैसला तो बाद में होगा कि मकान के मालिक तुम हो या नहीं, लेकिन इन 15 सालों में जो इस मकान की मरम्मत, सफेदी और टैक्सों पर जो हमने खर्च किया है, वो पैसा कौन देगा? हमने सारा हिसाब रखा है, पूरे 1.5 लाख होते हैं। हाँ, अरे अब जब सब खर्च हो गया तो ये आ गया मालिक बनकर, अब हम कहाँ जाएंगे? किसी फुटपाथ पर चले? सुनिए, मुझे आपको निकालने या मकान बेचने का इरादा नहीं है, मुझे तो सिर्फ 30,000 रुपया चाहिए माँ के इलाज के लिए। किसके इलाज के लिए चाहिए? माँ के इलाज के लिए? अभी तो तुम कह रहे थे माँ मर गई है, बाप मर गया है, फिर कहाँ से पैदा हो गए? तुम हो कौन है? तुम हो कौन? चोर, लफंगे, डाकू, तुम हो कौन है? चिल्लाइए मत, आप मेरी बात सुनिए। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या सबूत है इस मकान के तुम मालिक हो? कागजात है कोई तुम्हारे पास? तू क्या समझता है? है? हमें बेवकूफ बना के 30,000 रुपए ले जाएगा, हम तुम्हें पुलिस से पकड़वाएंगे। अरे कोई जाओ खाने और बुलाओ पुलिस को। अरे मेरा हाथ छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। बड़ा है दादागिरी करने वाला। अरे चोर कहीं का? देखो मुझे चोर मत बोलो, तू चोर, तेरा बाप चोर, मेरे बाप को गाली मत दो। तेरा बाप क्या? तेरा पूरा खानदान चोर। मौके पर पाए गए गवाहों की शहादत से ये साबित होता है कि मुलजिम सूरज ने ही लाला काशीराम का खून किया है। ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत
उसे फांसी की सजा दी जाती है। चलो बैठो, चलो। मुझे फांसी हो जाएगी तो माँ का क्या होगा? मैं तो डॉक्टर से वादा करके आया था कि मैं पैसे लेकर आ रहा हूं। पैसे नहीं पहुंचे तो अस्पताल वाले माँ का इलाज नहीं करेंगे। अब क्या होगा? फरियादी, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी हुजूर, नाइट ड्यूटी का वॉचमैन गंगा राम हमें रात को बाहर नहीं जाने देता। क्यों? गंगा राम की जुर्म की किताब आज फाड़ दी जाएगी। वो सारे पेशेंट्स जिन्हें रात को घूमने का शौक है, उन पर अब कोई रोक टोक नहीं होगी। गंगा राम कल सुबह की पहली ट्रेन से वापस गाँव जा रहा है। सुन प्यारी श्री देवी, बना ले अपना दांत, हाय मुझको प्यारी प्यारी श्री देवी। माँ महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। दुष्ट, पापी, राक्षस, नरक जाने के लिए तैयार हो जा। नरक? किंतु माँ, मेरा दोष क्या है? दोष पूछता है मूर्ख? क्या तू नहीं जानता कि तू मेरे भक्त को मुझसे मिलने से रोकता है? भक्तो, जय महाकाली, जय महाकाली। माँ, मा, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। नादान बालक, मेरी आज्ञा ये है कि आज की बात तू इस नगरी में दिखाई न दे। मैं पहली गाड़ी से मुंबई भाग जाऊंगा, श्री देवी के पास। जय श्री देवी। चल थाली इधर ला। वार्डन साहब, क्या हुआ? मिस्टर जोसेफ हमेशा के लिए रिहा हो गए, अब वो कभी खाना नहीं खाएंगे। लगता है आज रात की नींद भी गई। अरे ये तो गया, अब इसको रातों रात दफनाना होगा। चलो जेलर साहब को खबर करते हैं। हाँ वार्डन साहब, उठाइए ना। ये क्या मुसीबत है, संभाल के भाई। हाँ हाँ, लोग मर जाते हैं और परेशानी हमें उठानी पड़ती है। चल बनकर। अब क्या, आदमी गया है पादरी को बुलाने, वो न जाने कब आएगा। और सच पूछ तो लाश को देख के अपना जी घबराता है। चल चल बाबा, चल बीड़ी पी के आते। सुबह तक ठीक था, मैंने अपने हाथों से चाय पिलाई। क्या करते रहते तुम लोग सबके सब यहाँ खड़े रहकर, मुंह देखते रहते हो मेरा? मैं पूछता हूँ कहाँ गया वो? अगर ऊपर से इंक्वायरी आ गई तो जवाब तुम्हारा बाप देगा। अब उसे ढूंढने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। भाइयों, भाइयों, आइए 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 आइए,
आइए देखिए मौत के कुएं में एक बहादुर नौजवान को मोटरसाइकिल चलाते हुए। जल्दी करिए आपके। क्या हुआ महेश, शो का टाइम हो गया, जल्दी चल यार। अरे सेठ तेरे कार्निवल में रखा क्या, ले देकर एक मौत का कुआं जिसकी वजह से लोग टिकट खरीदते हैं। और मौत के कुएं में हर रोज मौत को कौन गले लगाता है? मैं। और इसके बदले में तू मुझे देता क्या? सिर्फ 3,000 रुपए। अब तो ये पहिया तब चलेगा जब तू मुझे पूरे 10,000 रुपए देगा। शो के सारे टिकट बिक चुके हैं, ये पहला शो हो जाने दो, फिर इत्मीनान से बैठकर हम सारी बातें तय कर लेंगे। नहीं नहीं, अभी और इसी वक्त। अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हारी तनख्वाह डबल कर देते हैं, पूरे 6,000 रुपया। अब चल भैया चल। नहीं, 10,000, 1 रुपया कम नहीं। क्या खुदा, देखो अगर हमें तुम्हें 10,000 रुपए देना पड़ा तो हमें ये कार्निवल बंद करना पड़ेगा प्लीज। अच्छा है ना, कल की जगह आज बंद कर दो। मैं तो चला। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते। बाय बाय। मैं खुदा के वास्ते बच्चा महेश। महेश महेश, मेरी एक बात सुन यार। देख महेश, हमें इस तरह छोड़कर ना जा वरना हम बर्बाद हो जाएंगे यार, हम तबाह हो जाएंगे। अच्छा है, हमारी बिरादरी में शामिल हो जाएगा क्यों? ठीक है, देख 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 महेश, ऐसा करते हैं मुनाफे में आधा आधा कर लेते हैं, ठीक है? 10,000। लेकिन 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 महेश महेश महेश, तुम एक बार हिसाब किताब तो देख लो। महेश महेश, देखो इस तरह, देखो देखो मेरी बात तो सुनो। महेश महेश, इस तरह छोड़कर मत जाओ, मेरा कार्निवल बंद हो जाएगा। महेश महेश, अरे सुन भैया, अरे 7,000 ले ले यार। 8, ए महेश। मिल गया। बोलो साहब कितना डालूं? 5 लीटर सर। नहीं नहीं, 2 लीटर। नौजवान, ए नौजवान, नौकरी करोगे? पैसे मिलेंगे? हाँ हाँ, पूरे 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 6,000 रुपया महीना करोगे? काम क्या होगा? यही मोटरसाइकिल चलाना होगा, मेरे मौत के कुएं में वहां है। बोलो करोगे ना? बोलो। अब तो जिंदगी मौत के कुएं में ही कटेगी। ये रहे तुम्हारे 6,000 रुपए महीने की पेशगी। रोज शाम को तुमको 5:30 बजे से 6:30 बजे तक यहाँ रहना होगा, बाकी के टाइम तुम बादशाह हो, कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू। आप सबने ये रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं? जी जी। आर यू श्योर? यस मैडम, वी हैव चेक्ड रीचेक्ड एंड टेकन हर टेस्ट। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये रिपोर्ट पूजा की ही है। यस मैडम। हेलो देव। हाँ हाँ बोलो सुना। देव बुरी खबर है, इट्स पूजा। सुनो, आज कौन सा नाटक खेला जा रहा है? आज के नाटक का नाम है मौत, और इसमें तुम मैं और सभी अपने आप को प्ले कर रहे हैं। मैं समझी नहीं। तुम यहाँ सांस रुक कर पड़ी रहना, मैं बाहर जाके कहती हूँ कि शोभा मर गई, फिर देखते किसका क्या हाल होता है। ओके, मैं लाश की एक्टिंग करूंगी कैसे? हाँ, ऐसे
मैं समझ गई। अच्छा अब तुम अच्छी लाश बन जाओ और मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से फूल लाती हूँ। ओके ओके। पूजा ये फूल किस लिए? मेरी सहेली शुभम मर गई। लेकिन अब तक तो वो ठीक थी। बिचारी ने कोई सुख नहीं भोगा, न पति का न औलाद का, पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। अरे मौत बता कर थोड़ी आती है। अरे शोभा मर गई। अभी तो चुप क्यों? शोभा मर गई। उमा अनीता शोभा मर गई। क्या? हाँ शोभा मर गई है। क्या हुआ? शोभा मर गई। क्या हुआ? हटिए। डॉक्टर देखो ना शोभा को क्या हो गया। क्या हुआ पूजा? सारी रात वो अपनी मौत के बारे में बात कर रही थी। मुझे उसे देखने दो। लगता है उसे पता था कि वो मरने वाली है। हटो पूजा। डॉक्टर आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ? कह दो ना कि शोभा मर चुकी है। क्या कहा आपने? She's dead. क्या? नहीं नहीं ये सब मजाक था, नाटक था। नाटक? हम दोनों मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे थे। अच्छा बेवकूफ बनाया ना सबको। ये सब नाटक था। It's okay, सब नाटक था। शोभा उठ। शोभा देख सब लोग बेवकूफ बन गए। शोभा देख सब लोग बेवकूफ बन गए। शोभा शोभा आप सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? डॉक्टर आप भी मजाक कर रहे हो ना? उसका शरीर अब तक गर्म है, वो अभी मुस्कुरा रही थी, बात कर रही थी। जिंदगी और मौत में सिर्फ एक पल का तो फासला होता है। नहीं नहीं पूजा, नहीं मेरी बात सुनो। नहीं पूजा, लिसन टू मी पूजा। बोल क्या खबर है? सर जो लड़का जेल से भागा था सुना है वो डोडा पेटा में घूम रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को वहां नजर रखनी चाहिए। गुड वेरी गुड।
मगर इतने सारे पैसे तूने लाए कहाँ से बेटा? माँ क्या है कि बहुत कमाल की नौकरी मिली है, ये थी तुम्हारे इलाज की पहली किश्त, अब तो मैं हर महीने इसी तरह पैसे लाया करूंगा। तुम इस तरह हॉस्पिटल छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। मुझे शोभा की तरह अस्पताल में नहीं मरना। उसकी मौत से, उसकी केस हिस्ट्री से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। दो चार दिन के लिए शरारतें बंद कर दो, वक्त पर जागो, वक्त पर सो, बस ठीक होते ही तुम्हें डिस्चार्ज दे देंगे। ओके? रियली? एक बात बताऊं, मैंने अपनी फाइल पढ़ ली, अब मैं अपनी एक सांस भी इस घुटन में गंवाना नहीं चाहती। मैं जाऊं या अब भी आप मुझे रोकेंगी? लिफ्ट जी? नहीं, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड का इंतजार है। इस सुनसान जगह पर? हाँ, पुलिस उसके तलाश में है, इसलिए मैं उसे कहीं और नहीं मिल सकती। और अगर बॉयफ्रेंड से पहले कोई जंगली जानवर आ गया तो? जंगली जानवर आ भी गया तो मेरा बॉयफ्रेंड उसे भी मार सकता है। अच्छा, वो कैसे? आँखों में गोली मारेगा। इससे पहले कोई जंगली जानवर मारा है उसने? जंगली जानवर तो नहीं, लेकिन 5-6 लड़कों को उड़ा चुका है। बड़ा जल कुकड़ा है, जब भी मुझे किसी लड़के से बात करते हुए दिखता है ना तो गोली मार देता है। मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। लो आ गया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुको, तो पुलिस उसे पकड़ने वाली को 5 लाख इनाम देगी। नहीं नहीं, जिंदा रहा तो बहुत कमा लूंगा। भाग्य साला। तुम भी सही वक्त पर आए हो। क्या तुम्हारा धंधा मजबूर लड़कियों की मदद करने का है? और क्या तुम्हारा धंधा मजबूर लड़कों को बेवकूफ बनाना है? कौन हो तुम? पूजा या उसकी जुड़वा चेप कतरी बहन शाहीन? दोनों, 2 in 1। अब कौन सी नई शरारत सूझी है? अजी शरारत कैसी, अब तो तुम अपने लगने लगे हो। लगता है पहले जन्म में हम बिछड़ गए थे। इस जन्म में भी बिछड़े रहे तो बेहतर है, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर है, तभी तो हमें बार बार मिलाती है। बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं। इतने बेरहमत बनो, कोई शेर खा गया तो? साथ जाएंगे तो मजा आएगा। मैं बहुत तेज चलाता हूँ। सुत्मी, मुझे भी थोड़े समय में बहुत लंबा सफर तय करना है। तो फिर आना कभी मौत के कुएं में मेरा खेल देखने। जरूर आऊंगी। थैंक यू, बाय। आ गई? भाग आई ना हॉस्पिटल से? जिसका मुझे डर था वही किया ना तुमने? हॉस्पिटल में पूजा सब सही कहते हैं, तुम खुद ठीक नहीं होना चाहती हो। नाटक कंपनी बहुत हो गया अंकल, आप सब पहले से ही जानते हैं, और अब मैंने भी पढ़ लिया है, वो फाइल मेरे पास है। क्या क्या बहुत हो गया, अब खुली खुली बातें हो जाए। मैं अस्पताल में मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, हर पल हर दिन। जो नहीं किया है वो करना चाहती हूँ, और जितना भी पैसा मेरा बचा है उसे खर्च करना चाहती हूँ। कौन सा पैसा? बचपन से तो इलाज हो रहा है तुम्हारा, सारा पैसा खर्च हो गया है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है अभी, ये सब, ये घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। चलो ये फिक्र तो दूर हो गई, वैसे भी पैसों से कितनी खुशियां खरीदी जा सकती है। पूजा, पूजा कहाँ जा रही हो तुम? बाहर, बहुत रह लिया छोटे इंसानों के बनाए छोटे घरों में, अब मैं भगवान की बनाई दुनिया का नजारा देखना चाहती हूँ। तुम एक शरीफ खानदान की लड़की हो, इस घर की मान मर्यादा हो तुम, ऐसी मारी मारी सड़कों पर फिरोगी तो लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? खुद तो एक चमगादड़ की तरह इस घर के अंधेरों में लटके हुए हो। चाहती हो कि मैं भी इस अंधेरे को गले लगा लूं? नहीं, मुझे मुट्ठी भर छत नहीं चाहिए, पूरा आसमान चाहिए। मुझे छोटा सा बिजली का बल्ब नहीं, चांद सितारे और सूरज चाहिए। ये घर आपको मेरी तरफ से मुबारक।
भाइयों बहनों मेहरबान कद्रदान साहिबान, देखे आपके शहर में पहली बार एक बहादुर नौजवान को मैं उससे पंजा लड़ाते हुए, हाँ देखिए देखिए। धोखा, जाबाज माय फुट, ये आदमी अपने बाइक पर बैठता और ये पिंजरा घूमता है। देखो बेटी तुम्हें धोखा हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिए आप सब लोगों के सामने ये नौजवान मोटरसाइकिल चलाएगा और ऊपर नीचे घुमाएगा। और बेटी किसे कहता है हा? ये आदमी हमें जादू का खेल दिखाता है और हमारी आंखों को धोखा देता है। हमारे पैसे वापस करो। देखो बेटी सॉरी 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 मिस मिस, देखो मिस मेरी बात का यकीन करो, वाकई वाकई ये नौजवान जान की बाजी लगाता है। हिप्नोटिज्म, नजरबंदी, धोखा धोखा धोखा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये कितने जोखिम का काम है। झूठ। ठीक है, मैं आप सब लोगों को चैलेंज करता हूं कि कोई भी इस नौजवान के साथ मोटरसाइकिल पे बैठने का खतरा मोल ले, मैं उसे 100 रुपए इनाम दूंगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। है कोई बोलिए, है कोई, है किसी को मंजूर है? आप पता चल जाएगा कि तुम्हारे दूध में कितना पानी है। लगता है किसी पागल खाने से भाग कर आई हो। तुम ही तो भगा के लाए हो। बहुत चलाक समझती हो अपने आप को ना, जिंदगी को तो खेल समझ लिया है, मौत को भी खेल समझती हो। जानती हो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जाने वाली जान को कितना भी बचा कर रखो, उसे तो चले ही जाना है ना। हैं? तुम्हें क्या मौत से डर नहीं लगता? कल तक तो लगता था, आज नहीं लगता। मैंने अपनी फाइल में अपना भविष्य पढ़ लिया है। लिखा है मुझे कोई रानियों महारानियों वाली बीमारी है। लिखा है मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाली। और ये भी लिखा है कि जब मौत आएगी तो पहले मुझे सुनाई देना बंद हो जाएगा और फिर दिखाई, और फिर मैं ऐसी गहरी नींद में चली जाऊंगी जिससे मैं कभी नहीं उठूंगी। है ना कमाल की बीमारी। ये तो हुई मेरी रेखा, अब तुम अपनी कहो, तुमने इतना खतरनाक पेशा क्यों चुन रखा है? मेरे जीवन की रेखा भी तुम्हारे जीवन की रेखा से कहीं मिलती है। क्या मतलब? मौत मेरे सर पे मंडरा रही है, मैं कभी भी कहीं भी पकड़ा जा सकता हूं। बस इतनी मोहलत चाहता हूं कि मां का इलाज करवा सकूं। इसका मतलब है कि ले दे के हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हैं। तकदीर ने हमारे साथ बड़ा घटिया मजाक किया है, क्यों ना हम तकदीर को धोखा दे दे। कैसे? 6 महीने में हम 60 साल जी जाए, 60 साल की खुशियां हम 6 महीने में ही निचोड़ ले। क्यों? हर मुराद, हर ख्वाहिश, हर तमन्ना पूरी करूंगा मैं। हाँ, मैं तुम्हारा जिन बन जाऊंगा। रुक जाओ, बहुत भाग चुके हो, चलो मेरे साथ। फास! Thank you.
कहाँ है? वो तो वहाँ है, उनके पीछे। अब हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। होशियारी नहीं हाँ, उठो उठो। पूजा, अब तक की जिंदगी भगवान की दी हुई थी और आज के बाद की तुम्हारी दी हुई है। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर तुम ना मिले होते तो ये जिंदगी बेकार में ही बेकार जाती। बोलो पूजा, तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? क्या क्या Yes? डॉक्टर, मेरे बाल झड़ने लगे हैं, और कितने दिन बाकी हैं? पूजा, तुम कहां से बोल रही हो? मैं और तुम्हारे अंकल तुम्हें कितना ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। पूजा, तुम कहां से बोल रही हो? पूजा, यू मस्ट अंडरस्टैंड, अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो यू हैव ओनली 6 weeks, सिर्फ 6 हफ्ते। पूजा, क्या कहती है डॉक्टर? कुछ नहीं, कहती है बालों में नारियल का तेल लगाया करो, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। जिन मियां, मैं अभी और इसी वक्त आइसक्रीम करना चाहती हूँ और शॉपिंग करना चाहती हूँ। जो हुकुम मेरे आका। पहले ये, फिर वो, और फिर मैंगो खाऊंगी। क्या आप सचमुच सभी तरह की आइसक्रीम खाना चाहती हैं? आज तो मौका मिला है, आज जी भर कर खाऊंगी। बेटी, ज्यादा आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं, सेहत को नुकसान करती है। आइसक्रीम नुकसान भी करती है? हाँ बेटी, जब मैं तुम्हारी तरह बच्चा था आइसक्रीम का बहुत शौकीन था, मगर इसी शौक ने मेरे सारे दांत गवा दिए। आपके दांत किस उम्र में गए? 40 साल में गए। 40 साल में? फिर तो ठीक है पूजा, तुम आज नहीं हर रोज जी भर के आइसक्रीम खा सकती हो। मैडम, आपकी आइसक्रीम। मेम साहब, ये बहुत टिकाऊ और शानदार सैंडल है, 3 साल की गारंटी है। अरे ऐसे जूते किस काम के जो टूटने का नाम ही न ले। मुझे ऐसे जूते चाहिए जो चाहे चले 1 हफ्ता, लेकिन जब पहने तो ऐसा लगे कि बादलों पर पैर रख दिया हो। मेम साहब, आप जैसे कस्टमर रोज रोज नहीं आते, इसलिए ऐसे जूते स्टॉक में ही नहीं है। भगवान ने मुझे स्पेशल बनाया है, इसलिए मुझे स्पेशल जूते चाहिए। यार एक बात बता, लोग ऐसे मकान क्यों बनाते हैं जिसकी उम्र उस मकान में रहने वाले लोगों से लंबी हो? साहब, आपकी बात तो मेरी समझ में नहीं आई। अरे तुम तो क्या, पूरी दुनिया हमारी बात नहीं समझ सकती। ये हरकत देखिए दादी माँ की, आज भी चिट्ठी लिखते हैं तो पोस्टकार्ड पर। पता नहीं लोग जितने बूढ़े होते हैं उतना ही पैसों से लोग क्यों करने लगते हैं। लिखा क्या है? जवाब नहीं है बुढ़िया का, उसने मेरे लिए हलवा बनाया। अब तू ही बता, ये उम्र है मेरी हलवा खाने की और उसका अपना जन्मदिन मनाने की? 7 साल हो गए मुझे उसे मिलकर, न मरती है न पीछा छोड़ती है बुढ़िया कहीं की। अरे सुजीत, 5 मिनट के लिए मिला, तेरा क्या जाता है? पागल हो गया क्या? मुझे और भी जरूरी काम है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम दिया हुआ है। बुढ़ी कहीं की। अरे माँ जी सो जाइएगा, आपका पोता नहीं आएगा। अब तक नहीं आया तो अब क्या आएगा? मेरा दिल कहता है कि वो जरूर आएगा। दादी माँ, एक एक साल का हिसाब रखा है दादी माँ, फूल गिन के देख लो।
देखो तो कैसा लगता है तू। अरे ये तेरी आंख को क्या हुआ? कुछ तो नहीं, ठीक तो है। अरे कैसे ठीक है, ये तो पत्थर की हुआ करती थी ना। दादी कितने सालों के बाद मिल रहे हैं आप अपनी सुरजीत से? यही 7 साल हो गए। 7 साल? दादी माँ 7 साल में साइंस ने बहुत तरक्की की है। अब आंख तो क्या, दिल, जिगर, फेफड़ा, जो चाहे लगवा लो। पर दादी माँ हलवा। हाँ, हलवा हलवा हलवा। अरे हलवा हलवा, जाना जल्दी जा, हलवा ला जा। दादी माँ वाह, दादी माँ तुम्हारे हलवे का जवाब नहीं, सारा चट कर जाऊंगा, एक चम्मच भी नहीं दूंगा। दादी माँ मैं भी खाऊंगी। ए इसे भी देना। वैसे ये है कौन? दादी माँ अच्छी लगे तो बहू है, नहीं लगे तो कुछ भी नहीं। अच्छी है, अच्छी है। चलो आशीर्वाद लो। ओह, भगवान तुझे 1000 साल जिंदा रखे बेटी। पर दादी माँ हम तो सिर्फ 6 में। 1000? हाँ 6000 साल। हाँ 6000 साल जीने की योजना बनाई है दादी माँ। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अब दादी माँ अब तुम सो जाओ। हाँ दादी माँ, खत्म हो गया है, रात बहुत हो रही है। चलो सो जाओ दादी माँ, सो जाओ। जीते रहो बेटा। अपनी मुरादें पूरी करने में इतनी खुशी कभी नहीं मिली जितनी आज मिली है। दूसरों को खुशी देने में जो खुशी है ना पूजा, उसका मजा कुछ और ही है। अब हमारे पास इतना समय तो नहीं है कि हम कुछ ऐसे कारनामे कर लें कि हमारे बुद्ध बने, लेकिन अगर हम एक दिन में किसी एक होंठ पे भी हंसी ले आए ना, तो मान लो सारे तीर्थ कर लिए। सूरज बोलो। अचानक दिल में एक अरमान जागा है। मेरे आका क्या है ये अरमान? फौरन तामील की जाएगी। मुझे किस करो यहां। अभी नहीं, लोग देख रहे हैं, बाद में। मेरे दोस्त तुम जानते हो हमारे पास सिर्फ आज है और अभी। मैंने कहा ना इतने लोगों के सामने नहीं, उतरो।
जाओगे। क्या हुआ? फिर वही सपना देखा? बचपन से देखती आ रही हूं, लेकिन सपना हमेशा बीच में टूट जाता है। मैं सवार का चेहरा नहीं देख पाती। फिकर मत करो, आजकल मैं चेहरा भी देख लूंगी। कहाँ जा रहे हो? ऊटी, माँ को पैसे देने। नहीं, मेरा जी घबरा रहा है। जल्दी लौटूंगा। हाय सलील। हाय। तलाशी लो। कहाँ है तेरा बेटा? कौन? सूरज? आपको रास्ते में मिला नहीं? मुझे तो आप ही पैसे देके चला गया। झूठ बोलती है बुढ़िया, कहाँ छुपाए उसको? इतने छोटे से कमरे में छुपने के लिए जगह ही कहाँ है? मगर क्या किया है उसने? आप क्यों ढूंढ रहे हैं उसे? हमें बातों में लगाना चाहती है ताकि वो निकल जाए। वो अभी दूर नहीं गया होगा, अस्पताल में ही होगा। आओ मेरे साथ। अरे अरे, ये पुलिस तेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा माँ। सुनो बेटा। अरे तुमने मुझे मर जाने से क्यों बचाया, जबकि तुम जानते थे कि मेरे मर जाने से तुम आजाद हो सकते हो? जेलर साहब, ऐसी आजादी भी किस काम की जो किसी की जान लेकर कमाई जाए? तुम वही कातिल हो ना जिसने सिर्फ 30,000 के लिए कत्ल किया था? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैं कातिल नहीं? तुमने मेरी जान बचाई है, मेरे बच्चों को यतीम होने से बचाया है। जो चाहे मांग सकते हो, मगर जिंदगी छोड़कर, क्योंकि वो देना मेरे बस में नहीं। जेलर साहब, एक लड़की है पूजा, जिसके जिंदगी के सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। मैंने उसे आखिरी सांस तक साथ देने का वादा किया है। सिर्फ चंद दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन तुम मिलोगे कहां? मेले में, मौत के कुएं में काम करता हूं। भागने की कोशिश मत करना, याद रखो तुम्हारी मां बीमार है। जाओ। बता गया ना? ये मौत के कुएं वाला लग रहा है। हाँ, चल चल के पूछते हैं। हाँ हाँ। Excuse me, आप वही तो नहीं जो मौत के कुएं में बाइक चलाते हैं? जी हाँ। How nice meeting you.
आप मेरी गर्ल ऑटोग्राफ देंगे प्लीज? गर्ल ऑटोग्राफ देने के लिए नहीं मैडम, चूमने के लिए होते हैं। तो चूम लो। चूम लो? चूम लो। Oh, yes, why not? Like the click of the whip, watch that attack. Rush the black, in this thing called rap. Take a like a couple rhymes, number one, a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night, all the time. 7-14, prize the mind. Maniac, maniac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Excuse me, may I dance with you? नहीं, आज मैं इनके साथ डांस करूंगी। कैसी घटिया हरकत कर रही हो? हुआ क्या तुम्हें? मुझे वापस जाने दो। डांस ही करना है तो मेरे साथ करो। क्यों? खरीदा तुमने मुझे? जाओ उस लड़के के पास, मैं कोई गिरी हुई लड़की नहीं हूँ। इतनी अकड़? इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती पूजा। क्यों ना हो, मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, जिसे चाहूँ अपने पैरों पर झुका सकती हूँ। तुम इतनी बाजारू बातें कर सकती हो? मैंने कभी सोचा तक नहीं था। जो सोचा नहीं था वो सुन लिया ना, ऐसी ही हूँ मैं। अब जाओ या कुछ और सुनना है? आज के बाद कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा। पीछा छुटा, मुझे भी तुम्हारी सूरत देखने का कोई शौक नहीं है। Let's continue. No. What happened? Please. Okay, okay.
आज प्यास लगी है, नारियल पानी पियोगे? नहीं नहीं, तुम पी करो। पैसे देना। क्या पागल हो गई हो? फोन सुनाई नहीं दिया? मर जाती तो? कुछ सुनाई नहीं दिया। आपके चाल से ही पता चलता है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि मेरी जिंदगी के चंद लम्हे बाकी हैं। लगता है कि तुम मेरी गुलामी से बहुत जल्दी आजाद होने वाले हो। पूजा, पूजा, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। चलो चलो वापस हॉस्पिटल लौट चलो। क्या हॉस्पिटल में मौत के लिए नो एडमिशन का बोर्ड लगाया? क्या मौत वहाँ दाखिल नहीं हो सकती? लेकिन तुम्हारी जिंदगी कुछ दिन के लिए तो बढ़ सकती है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जो मौत के इंतजार में काटी जाए। मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहती हूँ सूरज। मैं चाहती हूँ कि जब मौत आए मैं उसे जिंदा मिलूं। लेकिन पूजा, तुम उसे प्यार करते हो? हाँ हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। तो फिर वो देखो। क्या? मैं वहाँ उस घर में तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मांग पूरी करोगे? जो हुकुम मेरे आका। माँ जी, माँ जी यहाँ कौन रहता है? मैं रहती हूँ। अकेली? हाँ अकेली। अकेली? नहीं 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 नहीं, बुरी बात है माँ जी। आजकल के जमाने में अकेला नहीं रहना चाहिए, जी घबरा जाता है। और फिर वक्त बेवक्त किसी की जरूरत पड़ सकती है। जी, क्यों पूजा जी? आप ऐसा कीजिए, कोई किराया रख लीजिए, हम ही को रख लीजिए ना। हाँ। यूं लगेगा बेटा बेटी साथ में रह रहे हैं, हंसते हंसाते दिन बीतेंगे और पूजा हंसा हंसा कर आपको बेहाल कर देगी। ना बाबा ना, पहले भी एक किराएदार रखा था, खाली नहीं कर रहा था, कोर्ट कचहरी जाना पड़ा, तब से मैंने कानों पर हाथ रख लिए। माँ जी हाथ अपने कानों से उठाकर हमारे सर पर रख दीजिए। हाँ माँ जी, वैसे लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ? जी चाहे तो हमसे लिखवा लीजिए। हाँ? हम थोड़े दिनों में ये घर के साथ साथ ये शहर, ये देश, ये दुनिया भी छोड़ देंगे। ना बुरी बात, हाँ बुरी बात, होल से बच्चे मेरे, कैसी बातें कर रहे हो? चलो अंदर चलो और जब तक जी चाहे तब तक रहो। थैंक यू माँ जी। अल्लाह मियां सबको यही दिखाता है। 10,000 मांगा था ना, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे मेरा हीरा मिल गया है। तू जा हवा खा जा। उस्मान भाई, तेरे मौत के कुएं में अगर मेरे अलावा किसी ने मोटरसाइकिल चलाई ना तो वो गया, समझा? तेरा हीरा गया। We'll be right back.
पूजा, हम आ गए। पूजा, पूजा, ए, पूजा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? दिल में एक तमन्ना जाग उठी है, जो मैं जानती हूँ कभी पूरी नहीं हो सकती। अरे मेम साहब, जब तक जिन हाजिर है, आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? आप बस आदेश दीजिए, बंदा पूरी करेगा। तुम्हारी बस की नहीं है। क्यों, कोई बैंक लूटना है क्या, या कोई डकैती करनी है? खून करना तो बोलो, वो भी कर देता हूं। बोलो। मैं मां बनना चाहती हूं। मैं चाहती हूं मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूं, और मां बनने के लिए कम से कम 9-10 महीने चाहिए। अब तुम ही बताओ, मैं मां कैसे बन सकती? ममता का सुख भोगे बिना दुनिया से चली जाऊंगी। झूठी हो तुम, वादा पूरा नहीं कर सकते। पूजा, पूजा, पागल हो गई हो क्या? पूजा, मामी। आका, तुम्हारा हुकुम मेरे लिए फरमान है। ये लो 6 प्यारे बच्चे। लेकिन तुम्हें लाए कहां से? तुम्हें मां बनने का अरमान था, इन बच्चों को मां की जरूरत थी। बंदा तो सिर्फ पोस्टमैन है। अरे अरे अरे, इतने सारे बच्चे किसके हैं? हमारे हैं माजी। हाँ माजी, हमारे हैं। आपके? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो नाश्ता तैयार है। और सुनो, आज तो मैंने बना लिया, लेकिन कल से तुम्हें बनाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे माँ की जिम्मेदारी होते हैं। चलो। यकीन नहीं होता, सब इसी तरह चलता रहेगा। फूल खिलते रहेंगे, मुरझाते रहेंगे, लोग हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, सिर्फ मैं नहीं रहूंगी। क्या इसी को जिंदगी कहते हैं? ये लीजिए माँ जी, मेरे इंश्योरेंस के पेपर्स। हमारे बाद बच्चों की देखभाल करने के काम आएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे बाद बच्चे वापस यतीम खाने जाएं। बेटा ऐसा क्यों कहते हो? पहले मेरी बारी है, मेरी चिता को तुम्हें आग देनी है। ऐसा नहीं है माँ जी, अपनी बारी तो हम पहले लिखा कर आए हैं। माँ जी आप भूल गए कि जब हमने मकान किराए पर लेने की बात की थी, तब मकान छोड़ने की भी बात की थी, किया नहीं? ये कैसा मजाक है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। माँ जी, माँ जी, हम दोनों तो उधार के वक्त पे जिंदा हैं। हमारा वक्त तो कब का गुजर चुका है। अब तक तो किस्मत साथ देते आई है, लेकिन किस समय मुंह फेर ले कौन जानता है। माँ जी आप ये पेपर्स रख लीजिए, आपके काम आएंगे। शीतल, जितेश, प्रियेश, याओ, याओ। याओ। मम्मी डैडी हमें छोड़कर कहीं जा रहे हैं। अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? ए, तुम लोग ऐसे मुंह फुला के बैठे हो? तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? ऊपर, सातवें आसमान पे। फिर वापस कब आओगे? कब आएंगे वापस? सनी, वहाँ सिर्फ जाने का रास्ता है, वापस आने का नहीं है। तो हम भी साथ चलेंगे। वहाँ कोई किसी के साथ नहीं जाता, जब बारी आती तो अकेले जाना पड़ता है। तो हम वापस जाएंगे यतीम खाने? कभी नहीं, तुम सब लोग यहीं रहोगे, और तुम्हारे साथ हम भी रहेंगे, मैं भी और तुम्हारी मम्मी भी। और याद रखो, हमारे पास सिर्फ आज है, आज। और आज जब हम इकट्ठे हैं, तो कल का गम क्यों करें हम?
क्यों ना हम नाचें, गाएं? पूजा, तो तुम यहां हो। ऊपर से नीचे आने में न जाने मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आए। देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। क्या 6 हफ्ते खत्म हो गए, लगता है मेरा दी एंड आ गया। पूजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। नहीं सूरज, मैं बनने से नहीं डरती, डरती हूँ तो सिर्फ तुमसे बिछड़ने से। बहुत प्यार करती हूँ ना मैं तुमसे, मैं तुमसे बिछड़ना नहीं चाहती। कुछ करो प्लीज, मैं तुमसे बिछड़ना नहीं चाहती। मैं क्या कर सकता हूँ पूजा, क्या कर सकता हूँ? सात फेरों से 7 जन्म का साथ हो जाता है, शादी कर ले, शायद कोई चक्कर चल जाए। हाँ कल ही कर लेते हैं, तुम दुल्हन बन के तैयार रहना, मैं शो के बाद सीधा कर लौटूंगा। आते वक्त बंदे से सुहाग की लाल चुन्नी मत भूलना। जो को मेरे आका। महीने हो गए फांसी का मुजरिम तुम्हारे हाथ से निकले हुए, और आज तक तुम उसे पकड़ नहीं पाए। 24 घंटे की मोहलत देता हूं, अगर फिर भी तुम उसे पकड़ नहीं पाए तो मैं तुम्हारी वर्दी उतार लूंगा। अंडरस्टैंड? इसकी नौबत नहीं आएगी सर,
आज रात फांसी का मुजरिम काल कोठरी में होगा। माँ जी, मुझे एक खूबसूरत सी लाल रंग की चुनरी चाहिए, मैं शाम को आके ले जाऊंगा। पूजा, नीचे जल्दी आओ, वरना ये लोग वीडियो तोड़ देंगे। आ रही हूँ आंटी। क्या हुआ? देख, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या हुआ बेटा? Thank you.
आखिर भगवान ने हमारी सुन ली पूजा, हम मरने के बाद भी नहीं मरे। तो तुम थे जो बचपन से मेरे सपनों में आते रहे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। वो लोग रो क्यों रहे? बेचारे, वो समझते हैं कि तुम मर गई हो, नहीं जानते हैं कि जो मरा है वो तो सिर्फ जिस्म है। सूरज, हम कभी अलग नहीं होंगे ना? कभी नहीं। कमाल है, तुमने मेरी ये मांग भी पूरी कर दी। दे ताली। Yeah!